दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आपको आईपीओ में पैसा लगाना पसंद है और हाल के दिनों में आए आईपीओ में पैसा लगाने से चूक गए हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। 15 अक्टूबर को हुंडई मोटर इंडिया का आईपीओ खुल रहा है। इस एपिसोड में हम आपको हुंडई मोटर इंडिया और उसके आईपीओ के बारे में बताएंगे, साथ ही आईपीओ में पैसा कैसे लगाते हैं, आईपीओ क्या होता है, आईपीओ से कैसे कमाई होती है उसकी भी जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जिस भी कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं सबसे पहले उस कंपनी के बारे में जानना जरूरी होता है। कहीं पर पैसे लगाकर पैसे कमाने का एक नियम है, जहां पर पैसा लगाने जा रहे हैं उसके बारे में पहले जान लीजिए, उसके बाद ही उसमें पैसा लगाने के बारे में सोचिए। तो पहले कंपनी की बात कर लेते हैं। तो हुंडई की गाड़ियों को तो आप सड़क पर चलते हुए देखते ही होंगे। तो दिग्गज ऑटो कंपनी हुंडई मोटर ग्रुप की कंपनी है हुंडई मोटर इंडिया। 1996 से यह कंपनी कारोबार कर रही है। हुंडई मोटर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ओईएम यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर कंपनी है। कंपनी सेडान, हैचबैक, एसयूवी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों समेत चरपहिया वाहनों का कारोबार करती है। अब आईपीओ के बारे में जान लेते हैं। तो आईपीओ 15 अक्टूबर को खुलेगा और 17 अक्टूबर को बंद होगा। आईपीओ का फेस वैल्यू 10 रुपया प्रति शेयर है। आईपीओ का प्राइस बैंड 1,865 रुपया से लेकर के 1,960 रुपया प्रति शेयर है। 7 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब आपको कम से कम 7 शेयर खरीदने होंगे, यानी ऊपरी कीमत के आधार पर आपको 7×1960 यानी 13,720 रुपया चुकाने होंगे। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक 14 लॉट यानी 98 शेयर खरीद सकते हैं। कहने का मतलब हो गया कि ऊपरी कीमत से अधिक 98×1,960 यानी 1,92,080 रुपया निवेश कर सकते हैं अधिक से अधिक रिटेल व्यक्तिगत निवेशक। कंपनी के कर्मचारियों को प्रति शेयर 186 रुपये की छूट है। कंपनी इस आईपीओ के जरिए 27,870,16,00,000 रुपए जुटाएगी। पूरा का पूरा आईपीओ ओएफएस है यानी ऑफर फॉर सेल है, यानी इसके तहत बिक्री के लिए नए शेयर जारी नहीं किए जाएंगे बल्कि मौजूदा प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स के ही शेयर बेचे जाएंगे। दोस्तों किसी भी आईपीओ के निवेश के लिए खुलने के बाद शेयर बाजार पर लिस्ट होने तक उसे कई चरणों से गुजरना होता है। आपने किसी आईपीओ में पैसा लगा दिया इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको आईपीओ मिल ही जाएगा। जिन निवेशकों को आईपीओ मिलता है उन्हें आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं। शेयर अलॉट करने की भी तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को शेयर अलॉट नहीं होते हैं उनको उनका पैसा वापस कर दिया जाता है और पैसा वापस करने यानी रिफंड की भी तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट हो जाते हैं उनके डीमैट खाते में आईपीओ का शेयर ट्रांसफर किया जाता है और डीमैट खाते में आईपीओ का शेयर ट्रांसफर करने की भी तारीख तय होती है। तो किसी भी आईपीओ में निवेश करते समय निवेशकों को इन तारीखों को जरूर से जरूर याद रखना चाहिए। आपको बता दूं कि किसी भी आईपीओ में शेयर बाजार में एफपीओ में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास डीमैट अकाउंट के अलावा ट्रेडिंग और सेविंग्स अकाउंट भी होने चाहिए। आईपीओ के शेयर निवेशकों के डीमैट खाते में ट्रांसफर करने के बाद उन शेयरों की लिस्टिंग शेयर बाजार जैसे कि बीएससी और एनएससी पर की जाती है और लिस्टिंग की भी तारीख तय होती है। तो हुंडई मोटर्स इंडिया का जो आईपीओ आने वाला है उसकी अलग अलग तारीखें क्या क्या है वो जान लीजिए। आईपीओ कब से कब खुलेगा वो तो आपने जान लिया कि 15 अक्टूबर को खुलेगा और 17 अक्टूबर तक आप इसमें निवेश कर सकते हैं। तो आईपीओ के अलॉट की तारीख है 18 अक्टूबर। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 21 अक्टूबर को। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 21 अक्टूबर को। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 22 अक्टूबर को। शेयर बीएससी और एनएससी पर लिस्ट होंगे। दोस्तों आईपीओ में आरक्षण भी लागू होता है। इस इशू में 50% हिस्सेदारी योग्य संस्थागत खरीदारों यानी QIB के लिए, 15% हिस्सेदारी NII यानी गैर सांस्थानिक निवेशकों या HNI के लिए, जबकि 35% हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है। रिटेल निवेशक यानी जो 2,00,000 रुपए तक ही आईपीओ में निवेश कर सकते हैं। इस आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर्स है कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी, सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया, HSBC सिक्योरिटीज एंड कैपिटल मार्केट्स, JP Morgan इंडिया और मॉर्गन स्टेनले इंडिया कंपनी। इस आईपीओ का रजिस्ट्रार है KFin टेक्नोलॉजीज। फिर से कंपनी की बात कर लेते हैं। तो भारत भर में कंपनी का 1,366 सेल्स पॉइंट
और 1550 सर्विस पॉइंट है। कंपनी ने 31 मार्च 2024 तक भारत में और एक्सपोर्ट के जरिए 1.20 करोड़ गाड़ियों की बिक्री की है। दोस्तों एक बात और मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर कर देता हूँ कि शेयर बाजार में किसी भी शेयर या आईपीओ में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात जरूर कर लें। ऐसा नहीं करने पर आपको आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अगर आपने रिस्क और रिटर्न को ध्यान में रखते हुए हुंडई मोटर इंडिया के आईपीओ में निवेश करने का फैसला किया है तो जान लेते हैं कि किसी भी आईपीओ में निवेश कैसे करते हैं। तो शेयर मार्केट, राइट इश्यू, आईपीओ, एफपीओ में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास सेविंग्स अकाउंट के अलावा डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट भी होना चाहिए। सेबी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर के पास ही ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवाएं। हालांकि सेविंग्स अकाउंट बैंक के पास खुलवा सकते हैं। कई शेयर ब्रोकर तीनों अकाउंट खोलने की सुविधा देते हैं जिसको 3-in-1 कहा जाता है। डीमैट अकाउंट के जरिए किसी भी आईपीओ में निवेश किया जाता है। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में ही आईपीओ से संबंधित फॉर्म मिलेगा जिसे ऑनलाइन भरना होगा। आईपीओ के संबंध में जानकारी के लिए आप अपने शेयर ब्रोकर से बात करें, शेयर ब्रोकर यानी जहां आपका डीमैट खाता है। सवाल है कि ये आईपीओ क्या होता है और निवेशक इसमें पैसा लगाकर पैसा कैसे कमाते हैं। तो आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हिंदी में उसको आरंभिक सार्वजनिक निर्गम या आरंभिक सार्वजनिक पेशकश कहते हैं। आईपीओ लाने वाली कंपनी आईपीओ के जरिए शेयर बाजार पर लिस्ट होती है और अपने शेयरों की बिक्री करके पूंजी बाजार से पैसे जुटाती है। वहीं दूसरी ओर निवेशक भी इन आईपीओ में पैसे लगाकर पैसे कमाते हैं, बशर्ते आईपीओ अच्छी कंपनी का हो। सवाल है कि आईपीओ से निवेशक कैसे कमाते हैं। आईपीओ के शेयर जिस कीमत पर निवेशकों को अलॉट होते हैं, अगर शेयर बाजार पर लिस्ट होने के बाद उन शेयरों की बाजार कीमत अलॉट हुई कीमत से अधिक होती है तो वही निवेशकों की कमाई होती है या रिटर्न होता है। मान लीजिए आपको किसी आईपीओ के शेयर 100 रुपया प्रति शेयर के हिसाब से अलॉट हुए। शेयर बाजार में लिस्ट होने के बाद उन्हीं शेयरों की बाजार कीमत अगर 150 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गई है तो जो 50 रुपया है वही आपका प्रॉफिट है, रिटर्न है। क्या आप हुंडई मोटर इंडिया के आईपीओ में पैसे लगाने जा रहे हैं? अगर जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, और अगर नहीं लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो क्यों नहीं लगाने के बारे में सोच रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताएंगे तो अच्छा रहेगा। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। इस एपिसोड या पैसे से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछेगा। एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में भी लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो आपका स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।